हाय फ्रेंड, आज हम बनाने वाले हैं ये योगा मैट कवर। इसके अंदर हम योगा का जो मैट होता है उसको रखने के लिए ये बनाने वाले हैं। तो ये ऐसा रहेगा हमारा, ये हमारा ऐसा साइड से ऐसा रहेगा। ये देख सकते हैं यहाँ का ये राउंड आएगा, जो फोल्ड करके रखेंगे तो दोनों तरफ से राउंड रहेगा। ऐसा ये लंबाई में रखेंगे हम इसको इतना, और ये इसके लिए टंगाने के लिए रहेगा, होल्ड करने के लिए कहीं पे भी एक बेल्ट रहेगा। ये इसमें एक चैन रख देंगे। और इसको हम बनाने वाले जो फैब्रिक का नाम है पांडा फैब्रिक जो है, ये आपको 50 रुपए मीटर के करीब मिल जाएगा मार्केट में। सस्ता रहता है ये और शाइनिंग भी करता है ये, ऐसा होने वाला है। ऐसे ही न्यू वीडियो देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब जरूर करें और साथ ही साथ बेल आइकन जरूर प्रेस करें। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो हम ये एक ऐसा कपड़ा ले लेंगे जो भी हमारा जिस भी फैब्रिक में हमको बनाना रहेगा, ये ऐसा एक ले लेंगे। इसका साइज रखेंगे हम ऐसे में रहेंगे 18 इंची और इसकी लंबाई रखेंगे हम 28 इंची। और यहाँ पे अगर हमको कोई प्रिंट करवाना है तो प्रिंट करवा लेंगे। मैंने यहाँ पे करवा लिया हूँ योगा मैट करके, आप कुछ भी करवा सकते हैं, जैसा आपका ऑर्डर रहा उस हिसाब से। चैन एक साइड से लगाएंगे जहाँ जो हमारा ये 28 इंची का है, इस तरफ से ये एक ऐसी चैन लगा लेंगे पहले। ये एक साइड लग गया हमारा, ये इसमें से ये चैन निकलेंगी, इसको निकाल लेंगे। सेम ऐसा ही है दूसरे तरफ लगवा लेंगे, यहाँ पे ये दूसरे तरफ। ये हमारा दोनों तरफ चैन लग गई। अब इसके अंदर हम रनर डाल लेंगे। एक रनर ले लेता हूँ मैं यहाँ पे, ये रनर है मेरा, इसमें दोनों में डाल लेंगे हम। ये हमने इसमें रनर डाल लिए यहाँ पे, ये देख सकते हैं इसका रनर है यहाँ पे, ये गोल हो गया पूरा ऐसा। इसको अभी हमने जो लिए थे 18 इंची का लिए थे, तो ये 18 इंची का गोला है हमारा पूरा। अब हमको ये हमारा ऐसा तैयार हो गया रनर डालने के बाद। अब हम एक ऐसा दो ले लेंगे, 6x6 का है ये मेरा, ये ऐसा रहेगा। इसको अब हम ना चारों तरफ से ऐसी गोल कर लेंगे, इसको ये ऐसा फोल्ड मारेंगे तो, और यहाँ से हमको इसको ऐसा राउंड ले लेना है। ये यहाँ से ऐसा राउंड, ये मैं राउंड कर लिया हूँ, मेरे पास है ये, इसमें मैंने वायर लगा लिया हूँ। ये भी हमारा 18 इंची का आने को है ना, क्योंकि ये जो हमने पल्ला लिए थे ये भी 18 इंची का था, तो ये इसके अंदर बराबर फिक्स बैठेगा। ये ऐसा वायर मैं दोनों में लगा लेता हूँ, फिर मेरा दोनों साइड का हो जाएगा। मैंने दोनों में वायर मार लिया, ये ऐसा हो गया हमारा, देख सकते हैं 6x6 का है ये। और अब एक ऐसा ये बेल्ट ले लेंगे हमारा टंगाने के लिए, तो ये जो है ये 33 इंची का रखूंगा मैं। इसके अंदर पहले इसको सिलाई कर लेंगे हम यहाँ पे, ये चैन के पास से इसको सिलेंगे। ये चैन है हमारी यहाँ पे, यहाँ एक सिलाई मार देंगे इसमें। ये हो गया यहाँ से, इसके अंदर से डाल के ऐसा ही ये दूसरे तरफ जो हमारी चेन आएगी वहां पे इसको सिलाई कर लेंगे। ये इस साइड में ये आया हमारा, यहाँ हम इसको यहाँ पे सिलाई कर लेते हैं। ये दोनों तरफ हमारा हो गया है, यहाँ पे बेल्ट लग गया है। अब इसको यहाँ से थोड़ा सा निशान लगा लेंगे हम, जिससे ये हमारे को पता चल जाएगा एक अंदाजे के लिए। ये हमारा यहाँ एक निशान लगा लिया, ऐसे ही दूसरे तरफ भी लगा लेंगे।
ये चैन के पास से ऐसी फोल्ड करके ये निशान दोनों में लग गया अभी हमारा। और ये जो हमने गोला लगाए थे जिसका ये जो जॉइंट आएगा यहाँ पे उसी को ये निशान पे रख लेंगे हमने जो अभी निशान लगाया। और यहाँ से चारों तरफ इसमें सिलाई कर लेते हैं अभी हम। एक साइड का लग गया हमारा, ऐसे ही दूसरे तरफ भी लगा लेंगे। ये हमारा दोनों तरफ का लग गया है, ये देख सकते हैं यहाँ का एक साइड का और ये एक साइड का। इसको हम पलटी कर लेंगे। ये देख सकते हैं जैसा बन गया अभी हमारा। ये योगा मैट, इसके अंदर योगा मैट रख सकते हैं हमारा गोल गोल करके यहाँ पे। ये इस साइड से हो गया, ये ऐसा हो गया, ये सामने से ऐसा रहेगा। ये इसका टंगाने के लिए कहीं पे भी हम ऐसा होल्ड कर सकते हैं इसको। उम्मीद करता हूँ आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी, आसानी से समझ आई होगी। वीडियो को लेकर कोई सवाल या सुझाव है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। आपके सुझाव से वीडियो और बेहतर बनाने की कोशिश करेंगे।